और इस समय बड़ी खबर यह आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर बातचीत की है। उन्होंने ट्वीट किया कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और पीएम प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से बातचीत की, कनेक्टिविटी, ऊर्जा, रक्षा, व्यापार और निवेश के संबंध में बढ़ावा देने पर चर्चा की, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया, सूडान से भारतीयों की सुरक्षित निकासी और हज के लिए उनके समर्थन की सराहना की। और इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अरुण शर्मा। अरुण, अगर देखें तो क्राउन प्रिंस से बातचीत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दोनों देशों के आपसी संबंधों के साथ साथ क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श और कनेक्टिविटी, ऊर्जा, रक्षा के साथ साथ हज की सुविधाओं के लिए भी शुक्रिया अदा करना, किन और मुद्दों पर बातचीत हुई और क्या कुछ अन्य तफसीलात? देखिए, तीन प्रोमिनेंट पॉइंट्स थे जिस पर प्राइम मिनिस्टर मोदी और जो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस थे उनकी बातचीत हुई है। सबसे प्रोमिनेंट रहा कि हम जानते हैं कि जो हज जो सर्विसेज शुरू हो रही है, हम देख रहे हैं कि देश भर में से फ्लाइट सीधे अब हज के लिए रवाना हो रही है और हमने देखा कि श्रीनगर से फ्लाइट टेक ऑफ कर दी है। तो ये एक जो इनिशिएटिव है वो दोनों देशों की स्ट्रॉन्ग लीडरशिप को दिखाते हैं कि कैसे कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बन रहा है, कंड्यूसिव इनिशिएटिव दिए जा रहे हैं जिसकी वजह से जो हज पिलग्रिम्स होते हैं उनको सहूलियत दी जा सके। तो इस तरीके से थैंक्स किया जो सऊदी अरेबिया के जो क्राउन प्रिंस थे और जिन तरीके इन इनिशिएटिव को किया जा रहा है कि हज पिलग्रिम्स को इस तरीके से सहूलियत मुहैया कराई जा सके, उस बात पर फोकस रहा। और उसी का एक तरह से कहीं ना कहीं एक थैंक्स करते हुए दूसरी जो प्रोमिनेंट पॉइंट थी, जो इवैक्यूएशन हुआ था, आपको याद होगा सूडान से जब इंडियंस को इवैक्यूएट करना था तो जेद्दा एक बहुत प्रोमिनेंट पॉइंट था। तो उस समय भी सऊदी अरेबिया ने बहुत